जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रेल 3 की पार्किंग में। यहाँ बड़ा खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया है SOP स्पेशल ओलंपिक के हवाले से। हमारे साथ इस प्रोग्राम की शमाला मौजूद हैं, मैनेजर भी हैं और इस रीजन की वो कोऑर्डिनेट भी करती हैं सारे इवेंट को स्पेशल बच्चों के हवाले से। आज बड़ा खूबसूरत स्पेशल बच्चों के लिए इवेंट किया है, तो मैं इनके थाट्स जानता हूँ, इनकी फीलिंग जानता हूँ, आज के ये हाइक का मकसद क्या था और इसमें बच्चों में किस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका मिला। जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड हाइक में। आज माशाल्लाह 700 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये इस बात का सबूत है कि स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हुआ है। बेसिकली इस हाइक का करवाने का मकसद ये है कि हमारे जितने स्पेशल एथलीट्स हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी उनको अपनी साथ मिक्सअप करे, उनके साथ एक मिलजुल के उनको उतनी ही बराबर के मौाक़े मुहैया करें जो अपने लिए वो क्लेम करते हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ये ट्रेल, हमारा मकसद ये था कि हम मेन स्ट्रीम लोगों को भी ये सिखाएं, यूथ को, बच्चों को, एडल्ट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, कि वो किस तरीके से एक स्पेशल बच्चों के साथ जो है कोऑपरेट कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी यूथ को खासतौर पर? यूथ के लिए यही मैसेज है कि एक्सेप्ट करें ये बच्चे किसी भी जगह पर, किसी भी घर में, किसी भी गली में आपके और हमारे दरमियान ही मौजूद हैं। तो रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो हम इनके जो मजाक उड़ाते हैं, कोई नाम रखते हैं वो ना रखें, और जिस तरह अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है उसी तरीके से इनको एक्सेप्ट किया जाए और इन्हें मुआशरे का करामत हिस्सा बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन जो है ये अपना हिस्सा डालें। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया।